महंगाई पर रोक लगाओ, डीजल पेट्रोल के दामों की वृद्धि वापस करो, रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित करो, रसोई गैस सब्सिडी की राशि बढ़ाओ आदि नारों के साथ सभी वामपंथी दलों ने महंगाई विरोधी राष्ट्रीय आह्वान के समर्थन में मुरादाबाद वाम दलों के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। वाम दलों के कार्यकर्ता बुधवार को सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क पर इकट्ठा हुए, वहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय को पेश किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। कोरोना काल से जूझ रहे आवाम पर लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों के तेल आदि के दाम बढ़ाकर उन्हें दोहरी मार दी जा रही है। सरकार महंगाई पर काबू करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। बांग उठाई गई कि काला बाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके, डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को तत्काल रोका जाए और विगत एक वर्ष कोरोना काल में हुई वृद्धि वापस ली जाए, रसोई गैस के दामों को नियंत्रित करके आमजन की रसोई को महंगाई की मार से बचाया जाए, आवश्यक एवं खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हो रही बेलगाम वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और उन कीमतों को नियंत्रित किया जाए। CPIML के जिला मंत्री कामरेड अतीक अहमद ने प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए सिटी चैनल संवाददाता को बताया। आज हमारी मांगे हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वाम मोर्चा पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई बढ़ रही है, जो सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पर इस पर टैक्स की भरमार कर रखी है, उसके विरोध में हम जो है आज पूरे उत्तर प्रदेश में वाम मोर्चा हर जिले के अंदर, हर जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, सब पर जो है इस महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या मांगे उजागर? हमारी मांगे ये हैं कि डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, लगातार सरकार बढ़ा रही है इसको, ये वापस ली जाए। खाद्य तेल और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आम जरूरत की चीज़ें हैं, उनके कीमतों में को जो है सरकार कंट्रोल में करे, और जमाखोरी जो हो रही है देश के अंदर, पूंजीपति कर रहा है, महंगाई जमाखोरी की वजह से बढ़ रही है, इस पर जो है छापेमारी होनी चाहिए। जनता त्रस्त है और ये जो कोविड काल में जो है जनता के ऐसे भी आर्थिक ढांचा जो है कमजोर हुआ इस देश का, तो हमारी मांग ये है कि जनता जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके आधार पर जो है जो 17 चीज़ें केरल के अंदर, क्योंकि केरल की सरकार भी इसी संघ के अंदर आती है, सेंटर इसी देश के अंदर है, जो केरल की 17 सरकार 17 आवश्यक वस्तुएं जो है उन पर जो छूट दे रही है सरकार को, फ्री दे रही है जनता को, वो यहाँ पर भी मिलनी चाहिए। प्रदर्शन में CPIML के जिला मंत्री रामकिशोर रस्तोगी, CPIML के जिला प्रभारी कामरेड रोहिताश राजपूत, प्रवक्ता कामरेड थान सिंह, कामरेड बलवीर सरन रस्तोगी, कासिम अली राजकुमार, रूबी रस्तोगी, अशोक श्रीवास्तव, करण सिंह, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद आलम, नूर सबा, राजा कुरैशी, नेपाल सिंह यादव, बहादुर अली एवं कामरेड शहाबुद्दीन सहित भारी संख्या में वाम दलों के नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे।